नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत से टेक्नीशियन बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन फेल है। ये दोस्तों मैं एक्चुअल में क्या है, एफ आर पी पे है। मैं आपको दिखा दूं, ये फ़ोन देखिए, एफ आर पी पे है दोस्तों। ये देखिए, स्किप का बटन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट का बटन हाइड है। तो ये सेट एफ आर पी पे है और हम इसे कॉम्बिनेशन के साथ फ्लैश करके दिखाएंगे। जैसा कि J8 है, जो मैं आपको बता दूं ये लेटेस्ट हैंडफोन है, और बोलते हैं कि ये FRP इसकी फाइल होती है J810G। ये फ़ोन है सैमसंग का और हम इसे FRP हटाएंगे इसकी कॉम्बिनेशन से। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आगे अपने डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि कैसे इसकी स्टेप बाय स्टेप आप FRP इजीली रिमूव कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक फ़ोन J8 है, गैलेक्सी J8 लेटेस्ट हैंड फोन है। आपने देखा ही है उसको और सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दिया है। तो देखिए, उन टेक्नीशियनों के लिए कहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन एक्चुअल में फैल है, पर फैल नहीं है दोस्तों। हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे, आप एसए टेलीकॉम ज्वाइन करिए, आपको कॉम्बिनेशन की एक एक डिटेल, फाइलों की एक एक डिटेल, की बैंड्री क्या होती है, सारी चीज़ें फाइल हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर की क्लासेस में। आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करिए, आपको सॉफ्टवेयर का प्रॉपर नॉलेज स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम उसे फ्लैश करें, कैसे हम उसकी FRP निकालें। तो कॉम्बिनेशन से जो फाइलें निकल जाती हैं तो आप वो फ्लैशिंग कर लेते हैं, और जो नहीं निकल पाती, क्यों नहीं निकलती, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में तो नहीं बता सकते। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम, और मतलब नए नए अपडेट्स कैसे फ्लैश करते हैं, नए नए फ़ोन कैसे FRP, ये सब कैसे करते हैं, बाईपास कैसे करते हैं, सारी चीज़ें छोटी से छोटी ट्रिक आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो फ्रेशर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है एक्चुअल में। ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर हैं और काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं लॉन्ग टाइम से, ठीक है। तो और सैमसंग के FRP नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन फाइल चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, कॉम्बिनेशन फाइल चाहिए, और इसके साथ साथ, कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको स्टॉक रोम भी चाहिए, मतलब इसकी फ्लैश फाइल भी चाहिए और आपको कॉम्बिनेशन फाइल भी चाहिए। तो मैं आपको पहले, सबसे पहले कॉम्बिनेशन फाइल ही इसकी दिखा देता हूँ कि इसकी कॉम्बिनेशन फाइल है कहाँ पे। ये देखिए, J810G, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोन वही है J810G। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन फाइल है। अब इसकी बैटरी क्या होती है, क्या वर्जन होता है, कैसे इसको जानते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इंस्टीट्यूट में, एशिया टेलीकॉम में, सॉफ्टवेयर की क्लासेस में, हर एक फाइलों को डिटेल, ये RK4 क्या है ये मैं आपको बता दूँ, ये RK4 क्या है और इसका वर्जन क्या है, इसकी बैटरी क्या है, सारी चीज़ें हम वीडियो में तो नहीं बता सकते। आपको अगर जानना है तो आप इसे टेलीकॉम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना बता दूं आपको, ये इसकी फ्लैश फाइल है और ये इसकी कॉम्बिनेशन फाइल है। तो एक जिप फाइल होती है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है। जैसे देखिए, कॉम्बिनेशन फाइल है, ये इसकी कॉम्बिनेशन फाइल है। बैटरी मैच होना चाहिए, नहीं तो बैटरी एरर का मैसेज आता है। चलिए ठीक है, ये आपकी फ्लैश फाइल है। तो हमारे पास फ्लैश फाइल भी है और कॉम्बिनेशन फाइल भी है। तो हम इसे आपको बता दें, हम इसे फ्लैश करेंगे, ठीक है, हम इसे फ्लैश करेंगे। और पहले तो कॉम्बिनेशन फ्लैश करेंगे, फिर इसमें देखेंगे। अब जैसे कि हमने शुरू में आपको दिखाया है कि उसमें FRP लगी हुई है, तो हम इसकी इजीली FRP हटाएंगे। तो हम ओडिन से ही हटा सकते हैं, ओडिन से आप इसको फ्लैश ओडिन से कर सकते हैं, UMT से कर सकते हैं आप इसको। Jack3 सबसे बेस्ट है, अगर कोई नया फ़ोनों का एरर आता है, वो फ्लैश नहीं होता है, ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप हम देते हैं और आपको हम दिखा दें। अगर वो सिंगल फाइल है, अगर वो सिंगल फाइल है, तो वो कहाँ से देनी है आपको, क्या कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो हमारी ये कॉम्बिनेशन फाइल थी, हम इसे AP भी देंगे। AP क्या होती है, BL क्या होती है, CP क्या होती है, CSC क्या होती है, ये सारा चीज़ आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉलो करना है। और जैसे मैं बता दूँ, ये सैमसंग का G8 था, जैसे कि आपको दिखाया था, इसमें होम बटन नहीं होता है, मतलब मेनू बटन बीच में जो बटन होते हैं, वो होम बटन इसमें नहीं होता है। तो हम इस फ़ोन को होम बटन कैसे ला सकते हैं,
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें होम बटन नहीं है, तो इसको डाउनलोड मोड पे कैसे लाना है। तो सबको डाउनलोड मोड तरीके तो पता ही होंगे, और अगर नहीं पता है तो हम तीन तरीके होते हैं इसको डाउनलोड मोड पे लाने के लिए। सबको पता है वैल्यूम डाउन और होम बटन और पावर किसे आ जाता है, और दूसरी चीज़ है और कैसे करना है सारी चीज़ें। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करिए, और उसमें आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और MMC। और आपको बता दूँ हमारा एक नया भी स्टार्ट हो गया है, आईफोन का भी हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए हमारी फाइल लोड हो चुकी है, अब इसे करना क्या है दोस्तों, ये हमारी फाइल स्टार्ट हो चुकी है, अब इसे हमें डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करना है। डाउनलोड मोड ओडिन मोड या डाउनलोड मोड इसे बोलते हैं, ठीक है। डाउनलोड मोड आप बोल सकते हैं या ओडिन मोड बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसे हम डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसे डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो पे दोस्तों कोई कॉम नहीं बन के आया है, तो हमारा कॉम बन के आ गया, मतलब हमारा पोर्ट ले लिया है। अब इसे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको स्टार्ट बटन पे सिंपली प्रेस कर देना है। तो ये वीडियो फ्रेशर लोगों के लिए है, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। लग रहा होगा बोरिंग वीडियो है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट जो फ्रेशर हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उनको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। सारा चीज़ आप इसे देख सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और जैसे ये फ्लैश हो जाएगा तो इसका पूरा रूम, ये कॉम्बिनेशन भी एक पूरा का पूरा रोम होता है, मैं आपको बता दूँ, कॉम्बिनेशन भी पूरा का पूरा एक रोम होता है, ठीक है। और ये फ्लैश फाइल स्टॉक रोम, ये फाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। अब ये सिस्टम की फाइल जा रही है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो, और थोड़ा सा लंबा वीडियो तो बनेगा ही, ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जैसे ये फ्लैश हो जाएगा वो सारी चीज़ें हम आपको पूरी चीज़ दिखाएंगे इसमें, कि कहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये हमारी हो चुकी, रिस्टार्ट हो गया फ़ोन। अब आपको हम फ़ोन में दिखाएंगे कि में लगा हुआ है, हमने कॉम्बिनेशन को फ्लैश कर दिया है, J8 है, गैलेक्सी J8। अभी ये पूरा का पूरा रोम चेंज हो जाएगा, ये आपका फैक्ट्री बैनरी में चला जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो लॉन्ग हो रही है तो ठीक है, आप इसे देखें, क्योंकि आप थोड़ा सा भी एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आप इसे नहीं कर पाते। देखिए एक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं बता दूं कॉम्बिनेशन क्यों फेल होता है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन तो हम राइट कर देते हैं पर ये फिर भी हमारे FRP नहीं जाती है, तो उसका एक रीज़न है, उसको बस ये इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट को पता है कि ये कैसे फ्लैश हो जाता है, कैसे इसके FRP हम इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेटिंग में जाके हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि वह क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम इसे कॉम्बिनेशन को हमने फ्लैश कर दिया है, अब इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है कि इसमें कुछ सेटिंग में जा करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आप आ करके एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नया क्लास एक आईफोन की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसे हम कॉम्बिनेशन फाइल हमने फ्लैश कर दिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फाइल डाल देंगे, अब इसको स्टॉक रोम से फ्लैश कर देंगे और इसकी FRP रिमूव हो जाएगी, जो कि आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी वीडियो हम वो नहीं कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमने कॉम्बिनेशन फ्लैश कर दिया, तो कस्टम बाइनरी के पूरी फैक्ट्री मोड में चला गया, ये चेंज हो गया। अब उसको सेटिंग में हमने जाके वो चीज़ें जो देखनी थी हमने देख ली है, अब इसमें हम फ्लैश कर देंगे नॉर्मली, इसमें हम फ्लैश कर देंगे जो भी इसकी फ्लैश फाइल है। अब इसकी फ्लैश फाइल हमने आपको दोनों चीज़ दिखाई हुई थी, ये देखिए इसकी कॉम्बिनेशन थी और ये इसकी फ्लैश फाइल है, तो BL में BL देंगे। अगर सिस्टम फाइल आई, अगर सिंगल फाइल आई, क्योंकि इसमें दो फाइलें आती है, एक मल्टी फाइल आती है और एक सिंगल फाइल आती है, ठीक है,
तो अगर इसमें सिंगल फाइल आए तो आपको एपी में देना है, अगर मल्टी फाइल आए, मल्टी फाइल का मतलब या तो 4 फाइल या तो 5, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर सिंगल फाइल आए तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ आपको एपी में देना है, और अगर मल्टी फाइल आए तो बीएल को बीएल में, एपी को एपी में, सीपी को सीपी में, और सीएससी को सीएससी में, ठीक है। बीएल बूट लोडर की फाइल होती है, एपी सिस्टम की फाइल होती है, सीपी मॉडम की फाइल होती है, और सीएससी भी सिस्टम की फाइल होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे देख सकते हैं और जो भी है, और ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं इसको, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन राइट कर रहे हैं, कैसे हम फ्लैश फाइल को राइट कर रहे हैं, सारा चीज़ आपके सामने कर रहे हैं, डाउनलोड मोड पे कैसे लाते हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है कॉम्बिनेशन फाइल को, फ्लैश फाइल को, क्योंकि ये बहुत साइज़ बड़ी होती है इनकी, इसलिए ओडिन में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट टाइम लगता है। आप अगर क्या बोलते हैं, अगर ये आप जैसे आप यूज़ करते हैं यूएमटी, देखिए लोड हो चुकी है तो हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, सीपी को सीपी में देंगे और सीएससी को हम देंगे सीएससी होम देंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, ये हमारी फाइल लोड हो गई है, अब इसे हमें डाउनलोड मोड पे फिर से कनेक्ट करना है। ये हमने डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कर दिया है, हमारा कॉम भी आ चुका है, ये देखिए। अब इसे कुछ भी नहीं करना है, हमें स्टार्ट बटन पे सिंपली दबा देना है, और ये हमारी देखिए कोई भी एरर नहीं आ रही है, और ये फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, कोई भी एरर, छोटी से छोटी एरर जैसे बैंड एरर या तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन हमने डाला, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा सा कि ये फ़ोन देखिए फ्लैश यहाँ पे हो रहा है, चल रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये यहाँ पे पास हो गया, जैसे ही पास हुआ वैसे ही हमने वीडियो को आपको दिखाया, अब यहाँ पे लाइव चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा सा कि ये फ़ोन देखिए फ्लैश यहाँ पे हो रहा है, चल रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये भी एक चीज़ दिखा दूँ आपको लाइव प्रैक्टिकल की, हमारी ये देखिए रिस्टार्ट फ़ोन हो चुका है, पास वहाँ पे दिख गया है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम दिखाते हैं कि कोई वीडियो हमारे फेक नहीं होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे पास हो गया, जैसे ही पास हुआ वैसे ही हमने वीडियो को आपको दिखाया, अब यहाँ पे लाइव चल रहा है। ये देखिए फोन रिस्टार्ट हो चुका है हमारा, फोन रिस्टार्ट हो रहा है, हम वीडियो एक भी स्किप नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने को मिले कि कहाँ से फ्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी यहाँ पे। थोड़ा सा समय तो लगता है उसको बूटिंग करने, जैसा कि आप देख सकते हो फोन हमारा इंस्टॉल एप्लीकेशन हो रहा है, ये देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो रहे हैं सारी चीज़ें, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, पर ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है, और आप इसे देखते हैं कि हमारी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई। अब चलिए
जो नेक्स्ट का बटन है ये हाइड हो चुका है। देखिए पहले हाइड नहीं था, अभी हाइड हो चुका है। ये देखिए एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे, अब नो थैंक्स कर देंगे, स्किप कर देंगे, स्किप एनीवेज, अब मोर, एक्सेप्ट, बता दो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्किप कर देंगे, स्किप, फिनिश, ऑल डन। ये देखिए दोस्तों हमारी इजली FRP रिमूव हो चुकी विथ कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक चीज़ और अपडेट कर दूं कि हमारी आईफोन की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और तो आप अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आपको बैच चाहिए, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, तो आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।